मैं संतोष कुमार आज आप लोग का सब्ट्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि हाउ कैन यूज सब्ट्रैक्शन टू गिव ए नंबर। एग्जांपल में ले लेते हैं 5, सब्ट्रैक्शन 4 है, जहाँ पर यहाँ पर 5 है तो 5 लाइन ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर 4 है, इसके सामने 4 लाइन ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, और उसको क्या करेंगे तो 4 लाइन है तो यहाँ पर इसके सामने होगा इस तरह का क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर लगाएंगे, और इसमें कितना लाइन बचा है तो 1 बचा है, इसको काउंटिंग में तो 1 बच रहा है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4, इसको हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर 6 है तो 6 लाइन हम ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 है, यहाँ 4 है, 4 लाइन के सामने, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर 5 रहेगा तो 5 लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे, और 4 है तो 4 लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे। अब इसको क्रॉस कर देंगे, जितना यहाँ पर लिखा है 4 तो 4 लाइन क्रॉस करेंगे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद इसको काउंटिंग करेंगे, 1, 2, तो यहाँ पर 1, 2, 2 आया तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद 3 एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 में जैसे यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 5, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर 9 है तो 9 लाइन ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पर 5 है तो 5 लाइन को सामने लिखेंगे, जैसे 5, 1 यहाँ पर 1 लाइन, 1 इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, 5 लाइन आ गया, तो 5 लाइन को ऊपर में जितना लाइन है तो 5 लाइन इसको काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, माने ये 5 लाइन काउंट हो गया, और ये भी 5 लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, अब इसको सर्किल की तरह इसको घेर देंगे, अब इसके बाद जितना जितना लाइन बचेगा इसको काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर लास्ट में जो संख्या आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब एग्जांपल नंबर 4 लेकर चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 8 और 3, फिर 8 लाइन क्या करेंगे ट्राई करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इसके सामने जो 3 है 1, 2, 3, आप 3 है तो इसके ऊपर में जो लाइन दिया है तो 3 लाइन को हम सर्किल करेंगे, 1, 2, 3, और यहाँ पर भी नीचे भी 3 लिखा है तो 3 लाइन को सर्किल करेंगे, अब यहाँ से इस लाइन को काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर लास्ट में जो संख्या आएगा उसी को यहाँ पर 5 लिख देंगे। आप लोग का इस वीडियो के माध्यम से सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।